नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले हिंदुस्तान में, आपके साथ वंशिका पांडे। मध्य प्रदेश में भले ही अभी विधानसभा चुनाव में लंबा समय बाकी हो, लेकिन बीजेपी ने मिशन 2023 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। बता दें कि 15 नवंबर को भाजपा भोपाल में जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे और इस दौरान करीब 2 घंटे तक वो भोपाल में रुकेंगे। और साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के करीब 4 लाख आदिवासियों को लाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। बता दें कि जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम भोपाल के जम्बूरी मैदान में होगा, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करीब 1.5 लाख आदिवासियों के बैठने का इंतजाम भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक शिरकत करेंगे और आयोजन की रूपरेखा को लेकर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे अफसरों की बैठक भी बुलाई है। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से पीएमओ को प्रस्तावित कार्यक्रम भेजा जाएगा। 10 नवंबर से पहले शिवराज सरकार की 3 सभाएं होंगी और मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी बाहुल्य शहडोल, मंडला और धार में सभाएं करेंगे। इन सभाओं में आदिवासी नेता व केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा शिवराज कैबिनेट में मंत्री विजय शाह, बिसाहूलाल सिंह व मीना सिंह मौजूद रहेंगे। इस आयोजन में आदिवासियों की गौंड, भील, कोल व सहरिया को अधिक संख्या में बुलाने का निर्णय लिया गया है। आयोजन की प्रारंभिक तैयारी के मुताबिक आदिवासियों को 14 नवंबर को विदिशा, रासेन, सांची व सीहोर में ठहराया जाएगा, जिसके बाद 15 नवंबर को कार्यक्रम स्थल पर उन्हें लाया जाएगा। तो ये थी बुलंदिस्तान की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंदिस्तान के साथ।